सफ़र की तैयारी हो चुकी है जर्मनी जाने के लिए, तो देख सकते हैं हमारा सेटअप और आउटफिट, चेक करें आउटफिट। लेट्स गो टू जर्मनी। जनाब होने लगा है हमारा सफ़र जर्मनी के लिए अभी शुरू। कुछ ही देर में हम इंशाल्लाह रवाना होंगे लाहौर एयरपोर्ट, लामा इकबाल एयरपोर्ट के लिए। तो वहाँ से जनाब दोहा कतर एयरलाइन में, दोहा से फिर डायरेक्ट फ्रैंकफर्ट। दोहा में काफ़ी मतलब स्टे है, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे की अल्हम्दुलिल्लाह, बाकियों से कम ही है जो कि, और उम्मीद करता हूँ कि इतनी ही रहे, नहीं तो भाई बहुत बुरा होने वाला है। तो वहाँ से डायरेक्ट फिर सुबह इंशाल्लाह जाके कहीं 1 बजे वहाँ के जर्मन के पहुँचेंगे। यहाँ के मेरे ख्याल में 5-6 का टाइम हो चुका होगा। तो आज ये लास्ट नाइट को मेरे ब्यूटीफुल हाउस का तकियनवाला में, तो इंशाल्लाह मीत ज़िंदगी रही तो फिर देखेंगे, फिर मिलेंगे, फिर आएंगे यहाँ नाइट। लेट्स गो। अभी जा रही हूँ, गुड बाय। अभी जा रहे हैं, आए अभी जा रही हूँ, ऐसी जा रही हूँ, नहीं अभी जा रही हूँ। यह है रात के टाइम हेड मराला का मंजर। रात को बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, नॉर्मली यहाँ पर लाइट्स वगैरह उन्होंने पुल अजो ब्रिज पर लगा रखी हैं, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी दिन के टाइम है, आपको दिखाऊंगा ना मैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं जनाब एयरपोर्ट लाहौर की तरफ, मोटरवे बना हुआ है यहाँ पर, तो हेड मराला के पुल से गुजर रहे हैं अभी। माशाल्लाह देखते हैं जी। जनाब पहुँच चुके हैं सियालकोट, ड्रमाला चौक, नहीं है सियालकोट मेन सिटी के, ड्रमाला चौक लंग है। यहाँ से होते हुए मोटरवे पे आप जाएंगे, काफ़ी रश है सिटी में। जनाब लाहौर पहुँच चुके हैं टूल प्लाजा लाहौर। ये दाढ़ी नहीं है, ये मेरा शॉल लगी है, तो ये टूल प्लाजा नज़र तो नहीं आएगा। वेटिंग रूम में पहुंच गए एयरपोर्ट पर, अब देखते हैं आगे चलो कहाँ मंजर ले जाते हैं, क्योंकि बाहर का मैंने खैर नहीं अभी वीडियो बना पाया, तो इंशाल्लाह देखते हैं। Thank you.
ले जी पहुँच चुके हैं दोहा कतरा अलहमदिल्ला। दोहा से फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। ये रहा दोहा कतर तो एयरपोर्ट कमाल, मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं यहाँ पर।
जर्मन पहुंच चुके हैं। मौसम यहाँ पर बारिश स्टार्ट है और अब चेकिंग की तरफ जा रहे हैं। पासपोर्ट चेक करके सामान लेंगे और आउट।